आपने कहा मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द तो होता है, आखिर वो इंसान है, कोई मेटल या पुतला नहीं है, पर वो दिखा नहीं पाता है, या दिखाने जाता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम निकल बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पुरुष आयोग की जरूरत हमारे देश में। पर अगर कोई लेडीज ने ड्यूटी के डाली अपने पति के खिलाफ, तो उसमें हम एलिगेशन लाने वाले हैं कि उस लेडीज को कम से कम 10 साल की सजा, आरोप लगाने वाली महिला को 10 साल की सजा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी आप एक सेकंड। मेरा ऐसा है कि मेरी जो बहू है वो न्यूजीलैंड में रहती थी, वो न्यूजीलैंड में आके हमारे खिलाफ केस कर दिया, और कोर्ट को ये समझ नहीं आ रही, कोर्ट फैसला नहीं कर पा रही कि जितने भी केस उसने करे हैं वो यहाँ पर बनते ही नहीं हैं। कोर्ट आगे डेट पे डेट डालती जा रही है। मैं 70 साल का बुढ़ा आदमी परेशान है, मेरी वाइफ 65 साल की है, इसलिए पुरुष आयोग की जरूरत है। ऐसे कैसे माना जाए कि अभी हमारे देश में एकता नहीं है? हमारे देश ने साबित कर दिया हमारे देश ने साबित कर दिया है कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी एकता है। अगर हमारे देश के ऊपर कोई भी अगर गलत नजर उठाता है या दुश्मन देश हमारी तरफ आता है, हमारी एकता, हमारा, ये इतने सारे लोग हैं, क्या आप भारत के साथ हैं? लीजिए, पुरुष आयोग जरूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है, शोक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है, हमें चाहिए पुरुष आयोग, पुरुष आयोग, पुरुष आयोग, पुरुष आयोग, शोक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है, शोक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है, शोक नहीं मजबूरी। क्यों ये सत्याग्रह जरूरी है, क्यों जरूरी है सत्याग्रह? इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में हर उसके लिए आयोग है। पुरुष आयोग ही नहीं है, महिला आयोग भी है, जानवरों के लिए भी आयोग है, सभी आयोगों के साथ साथ सिर्फ एक बेचारा पुरुष ही है जिसके लिए कोई आयोग नहीं। पुरुष जानवर से भी बदतर हो गया, पुरुष जानवर से भी बदतर हो गया। लोगों का ये कहना है कि जानवरों के लिए भी आयोग है, लेकिन यहाँ पर पुरुषों के लिए आयोग नहीं है। एनिमल राइट्स के लिए यहाँ पे कानून बने हैं और संस्थाएं हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हमारा देश, जिसे हम कहते हैं पुरुष प्रधान है, उसके लिए कोई आयोग नहीं है। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या आपकी डिमांड है, पुरुष आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ गई? पुरुषों के लिए आयोग कोई है ही नहीं, कुछ भी कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। औरतों के लिए 50 कानून है, आदमियों के लिए कोई जनों क्या पुरुषों क्या पुरुषों को दर्द नहीं होता? सुनेंगे सर, सुनेंगे। अरे सर, मर्द को दर्द नहीं होता ये मानना पड़ेगा। पुरुषों के साथ अत्याचार नहीं होता, मर्द की फीलिंग्स तो होती है। मर्द की क्या फीलिंग्स नहीं होती? मर्द की फीलिंग्स होती है, उन पे चोट पड़ती है, लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन फीलिंग्स को चोट पहुंचती है। क्या कहना चाहती है? बिल्कुल, मर्द को दर्द नहीं होता, जैसे कहते फीलिंग्स चोट पहुंचती है। हम भी ये जा रहे हैं, पुरुष होना चाहिए, आदमी को वैल्यू ही नहीं रख रहे हैं आज की डेट में कुछ भी है, तो हम अपनी वैल्यू करना चाहते हैं। आदमी को पुरुष होगा तो वैल्यू बनेगी। जी जी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कहा कि मर्द को दर्द होता है, बिल्कुल होता। तो हमें समझना होगा कि पुरुष एक इंसान है। हमारे संविधान में औरत और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। हमारे जो कानून हैं उनका पूरा झुकाव जो है वो एक तरफ कानून है, कानून जो हैं वो बायस्ड हैं। हमारा कहना ये है कि जो कानून है वो न्यूट्रल होने चाहिए। जब संविधान में बराबरी का हक दिया गया है तो हमें कहीं बराबरी नहीं दिख रही है। सारे कानून औरतों के फेवर में, बजट औरतों के फेवर में, पुरुष जो है वो सदियों से, 70 सालों से जो है वो यातनाएं खामोशी में सहता आया है, लेकिन देश भी सुनने वाला नहीं है। देश तो पुरुष प्रधान है, जैसा कि हमारी सरकारें और नारे लगते हैं। देखिए, बेशक पुरुष प्रधान समाज है, पर पुरुष प्रधान समाज जो हमारा देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है कि सब बराबर है।
हमें कहीं बराबरी नहीं दिखती। आज 51% जो जनसंख्या हमारे देश की है उसको सरकार से बार बार गुहार लगानी पड़ रही है कि हमें मेंस कमीशन या पुरुष आयोग दिया जाए। क्यों? वो अपने आप वो बनना चाहिए। अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो बेटा बेटे का जो ड्रॉप आउट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात कही आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुरुष आयोग की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? पुरुष आयोग आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम लोग के साथ बराबरी नहीं हो रही है। बराबरी नहीं हो रही? घर के अंदर जो महिलाएं बैठी हैं, आज आप उन्हें बताकर आए हो यार? तो महिलाएं तो देखिए, इसीलिए शायद लगता है पुरुष आयोग की जरूरत होनी चाहिए। यहाँ पे और भी लोग हैं, ये संजीदा बात है, संजीदा मैटर है, और इस पे संजीदा बात ही होनी चाहिए कि लोगों का क्या कहना है। सर आप आ गया है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। आप लोग अगर जगह बना के रखेंगे सर, क्यों ज़रूरत पड़ जाती है हमारे देश के अंदर, जहाँ एक जानवर के लिए भी कानून है, जानवर के लिए आयोग बने हुए हैं, पुरुष आज अपने आयोग की मांग कर रहा है, जो पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम आपको साफ बताना चाहेंगे कि हम महिला विरोधी नहीं हैं, लेकिन पुरुषों की भी आवाज़ होती है, उसको सुनना होगा। हमारे देश की महिलाएं, हमारी माँ बहन माताएं हैं, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कई जगह ऐसा हो जाता है कि जब पुरुषों को ज़रूरत पड़ती है देश के न्यायालय और देश के कानून की। जी सर, जैसे कि जानवरों के लिए कानून है, वो बेजुबान है, फिर भी उसके लिए कानून है, कमीशन है। मर्द जो बोलता है भी है, उसकी आवाज़ को सुना नहीं जाता, आवाज़ नहीं सुनी जाती, बल्कि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी जब यहाँ पहुँचे हैं तो क्या ऐसी घटनाएँ हैं जो आपके साथ में है, जो आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा कि देश की एकता का नाम है पुरुष आयोग। देश की एकता का नाम है पुरुष आयोग। अगर हम हिंदू मुसलमानों में एकता होती तो क्या अंग्रेज हमें फायदा उठाते? नहीं। इसलिए पुरुष आयोग ही है जो पुरुषों में एकता ला सकता है। हमें हगने को जगह, पीने को पानी, खाने को रोटी मिल सकती है, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मिले, पुरुष आयोग से ही देश में एकता आ सकती है। तो इसीलिए ऐसे कैसे माना जाए कि अभी हमारे देश में एकता नहीं है? हमारा देश, हमारे देश ने साबित कर दिया, एकता होती तो खाने को रोटी, पीने को, हमारे देश ने साबित कर दिया है, हमारे देश ने साबित कर दिया है कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी एकता है। अगर हमारे देश के ऊपर कोई भी अगर गलत नजर उठाता है या दुश्मन देश हमारी तरफ आता है, हमारी एकता, हमारा, ये इतने सारे लोग हैं, क्या आप भारत के साथ हैं? लीजिए तो उस एकता को साबित जी आप हमें सुविधा देनी पड़ेगी। जी जी सर, बिल्कुल सुविधा मिलेगी आपको, सुविधा मिलेगी, चाहे हिंदू हो, सर मैं थोड़ा डेटा बताऊंगा कि हम निकल बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पुरुष आयोग की जरूरत हमारे देश में पड़ रही है। क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश पटेल फ्रॉम गुजरात बड़ौदा। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि पुरुष आयोग क्यों चाहिए, ये मैं या SIP या हम अकेले नहीं करें, आप चाहे तो देख सकते हैं, ओपन है NCRB के डेटा जो बता रहे हैं कि जितने भी फार्मर वो हुए हैं, कि जितने भी केसेस हुए उनमें से 53% पुरुष मेंस विक्टिम है, जबकि 46% ओनली वुमेन एक्टिव है। यानी कि 53% ऐसे लोग हैं जिन पे गलत इल्जाम लगाया गया है। हाँ, खुद ये सरकारी आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, पर वो लगातार 2014-15 में, 2017-18 में वो नेशनल वेबसाइट पे अवेलेबल है, फिर भी कहीं पर भी वो जिक्र नहीं किया जाता। फार्मर जब कोई सुसाइड करता है कि जो उनके पॉइंट्स आते हैं तो तुरंत वो वोट बैंक की वजह से आ जाता है चर्चा में, जबकि वो फैमिली मैटर की वजह से जो सुसाइड हो रहे हैं या जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो कहीं पर भी। अगर चुनावों की राजनीति है तो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कानून बन जाएगा, सरकारें उनको भुना लेंगी, लेकिन यहाँ पे एक पुरुष की बात है, लेकिन वहाँ पर ये कानून बनाने की जरूरत नहीं महसूस करती सरकार, आपका कहना है? यस सर, और भी बहुत से टेक्निकल ग्राउंड से रीज़न है, पर वो कहीं ना कहीं आ नहीं रहे। पुरुष को, जैसे आपने कहा मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द तो होता है, आखिर वो इंसान है, कोई मेटल या पुतला नहीं है, पर वो दिखा नहीं पाता या दिखाने जाता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि इस देश में एकता की बात आपने छेड़ी, एकता में बताऊं कि एकता कैसी है कि 46 लॉ से वुमेन्स के लिए, जबकि एक बड़ा हिस्सा एक जेंट्स टैक्स पेयर, उनके लिए एक सिंगल प्रोविजन तक की नहीं है। आदमी अपनी बात पुरुष रखे तो कहाँ रखे उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई सरकारी।